नमस्कार सोलापूरकर, मी सध्या सोलापूर शहरातील दी प्रोग्रेसिव एज्युकेशन सोसायटीच्या उर्दू मीडियम शाळेच्या परिसरात आलेलो आहे। आतमध्ये मी आत्ता लगेच प्रवेश करणार आहे आणि अचानकपणे प्रवेश करणार आहे। यासाठी प्रवेश अचानक करणार आहे की तुम्ही पाहिलेलं आहे की नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूरच्या एका शाळेमध्ये 3-4 वर्षांच्या दोन चिमुकलींवरती अत्याचार करण्यात आलेल्या होत्या तिथल्या शिपायाच्या माध्यमातून सफाई कर्मचाऱ्यांच्याकडून। त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने आणि शिक्षण विभागाने प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि महिलांच्या सुरक्षेला घेऊन अनेक उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत। त्याच उपाययोजना या शाळेत आहेत का किंवा सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत का? या ठिकाणी मुली जे शिक्षण घेत आहेत ते सुरक्षित आहेत का? त्यांच्यासाठी पाण्याची सोय पिण्यासाठी असो किंवा वापरण्यासाठी असो, शौचालय असो, त्यांचं बाथरूम असो किंवा इथली स्वच्छता असो, या सगळ्या गोष्टींचा आम्ही आज अचानकपणे तपास करणार आहोत। कॅमेरा चालूच असणार आहे, कोणतीही घटना जरी घडली, कुणी आडवं जरी आलं तरी कॅमेरा हा आपलं चालूच असणार आहे, एवढं आम्ही तुम्हाला सांगतोय। आता आम्ही प्रवेश करणार आहोत। हा शाळेचा परिसर आपण पाहतोय की कशा पद्धतीने इथं ठेवण्यात आलेला आहे। आपण पार्किंग सुविधा पाहतोय, इथं एचएम ऑफिस म्हणून लिहिलेलं आहे। एचएम ऑफिसच्या तिथं आपण आता प्रवेश करतोय आणि आत जाण्याचा बेत आपण आखलेला आहे। एचएम सर अंदर येईल। आम्ही आत डायरेक्ट आता जे इथले प्रिन्सिपल जे कोणी असतील त्यांच्या कॅबिन मध्ये आलेलो आहेत आणि डायरेक्ट त्यांच्याशी संभाषण करणार आहोत। खरं पाहता तर आता मी जे मराठीत बोलतोय ही उर्दू माध्यमची शाळा असल्यामुळे आपल्याला हिंदीत इथं बोलावं लागणार आहे आणि याचं जे पुढचं संभाषण असेल ते आपलं कदाचित हिंदी असू शकते। हम राजनीती न्यूज चॅनल से आए है, आप अच्छा के प्रिंसिपल है। हाँ, मेरा नाम अब्दुल गफूर अब्दुल गनी सगरी, मैं एचएम द प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल सोलापुर। कुछ नहीं, यहाँ पर जो कुछ दिन पहले जो बदलापुर की एक घटना हुई थी उसको लेकर हम यहाँ पर अचानक चेकिंग करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे होंगे या तो पानी की सुविधा होगी, ये सब बातों को लेकर हम चेक करने के लिए आए कि आपके यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे स्कूल में बिठाए हुए है या बिठाने वाले है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेन कमेटी इतनी अलर्ट है कि पिछले साल जब मैं जून 2023 में हेडमास्टर बना तभी सबसे पहली डिमांड मेरी यही थी कि पहले स्कूल में कैमरा होना चाहिए बच्चों की सेफ्टी के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, हर एतबार से। तो मेन कमेटी ने फौरन सैंक्शन किया और हम आज तकरीबन 15 महीने हुए हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है सिर्फ क्लास में ही है, हर क्लास में है और हर वरंडे में है और जो प्रेमाइसेस है स्कूल का, हर प्रेमाइसेस में हर जगह हमारे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरा सिस्टम हमारे को दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सामने ही देखिए, आप सामने अवेलेबल है, आप बिल्कुल सिस्टम देख सकते हैं। अपन या शाळेचे जे सीसीटीवी कॅमेरे आहेत त्याचा आपण इथं लाइव लोकेशन पाहतोय सध्या। प्रत्येक सर म्हणतात की प्रत्येक क्लासरूम मध्ये सीसीटीवी बसवण्यात आलेले आहेत, तर हे हेडमास्टर जे आहेत तिथले प्रिन्सिपल आहेत त्यांच्या अगदी समोरच्या बाजूलाच एक आपल्याला एलईडी स्क्रीन वरती टीव्ही दिसतो आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे खरंच बसवल्याचं निदर्शनास येत आहे। आणि इथं जवळपास 25-30 तरी कॅमेरे आपल्याला दिसून येत आहेत, 32 कॅमेरे असल्याचं सर सांगतात। क्लासरूम किती आहेत? क्लासरूम 23 आहे। क्लासरूम 23? हा, 23 डिव्हिजन्स आहे आणि प्रत्येक डिव्हिजन मध्ये कॅमेरा लावलेला आहे, 2 फॅन आहे, 2 ट्यूबलाइट आहे, कॅमेरा आहे, त्याचबरोबर प्रत्येक व्हेरांडामध्ये पॅसेज मध्ये पण सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे, प्रत्येक पोर्च मध्ये जिथे सीडी असतात। आपण पाहूया की नेमकं हे म्हणताय तसं प्रत्येक क्लासरूम मध्ये आहे का, एखाद्या कुठल्या तरी क्लासरूम मध्ये आम्हाला ओपन करून दाखवा। अच्छा, ये सभी क्लासरूम में आप पीछे से बिठाए हुए हैं, तो इसका दिखाओ, वरांडे का दिखाओ। एक मिनट दिखाता हूँ सर। ये देखिए, हर पोर्च में जहाँ से बच्चे उतरते हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, ऐसा फर्स्ट पोर्च, सेकंड पोर्च, थर्ड पोर्च हमने नाम दिया है, तीनों फ्लोर पर हर जगह है। कब लगाए कैमरे? लगा के कितने दिन हो गए? तकरीबन 15 महीने हो गए। घटना हुई उसके बाद लगाए डर के? नहीं नहीं नहीं, घटना हुई बोल के डर के लगाना गलत है। हम टीचर होने के नाते, हेडमास्टर होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके हर एतबार से सेफ्टी के बारे में सोचा जाए। ये सोच कर हम 15 महीने पहले ही लगाए हैं सीसीटीवी कैमरे
और बच्चों को कुछ बच्चे हमारे पास लाते हैं जिनको हम कुछ सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल परमिशन होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दो लड़कियां, एक दो लड़के बुलाए तो बिल्कुल। वाहिद भाई, हम अभी इस जो सर बोल रहे हैं वो जो कुछ बोल रहे हैं उनके बात सच निकलती है, ये इसकी तफ्तीश भी करेंगे, दो तीन स्टूडेंट्स को पूछेंगे जो अचानक हम रैंडमली दो स्टूडेंट बुलाने के लिए बोले हैं, देखेंगे अभी कि कौन से बच्चे आते हैं और उनको पूछेंगे हम कि उनको क्या क्या यहाँ पर सुविधा मिलती है। इसके अलावा बच्चों को क्या सुविधा दे रहे हैं, पीने के लिए पानी है? पीने के लिए महानगर पालिका की दो टंकियां बिठाई गई है, तकरीबन 10,000 की दो बिठाई गई है, यानी 20,000 महापालिका का नल है, पीने का पानी। हाँ, बिल्कुल आइए, चला अपन लाइव बघूया, बोलण्यापेक्षा अपन थोडंस म्हणजे सांगणं वेगळं असतं, हे सांगतील आपल्याला, आणि जर नसेल तर आपण काय करायचं, कुठे आहे पिण्याचं पाणी? आइए आप, पीने के पानी की तरफ अपन जा रहे है, देखेंगे कि ये जो बोल रहे, बोलिए सर क्या है ये? ये वाटर फिल्टर प्लांट है, ये बच्चों को उनकी सेहत के ताल्लुक से, हाँ, कोई सेहत पर असर ना हो, क्योंकि आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं मैक्सिमम पानी की गंदगी की वजह से फैलती हैं, हाँ, पानी में जो जरासीम होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे होती है, हाँ, इसलिए हमने ये वाटर फिल्टर प्लांट बैठा के भी तकरीबन 1 साल हो गया, तब से बच्चे फिल्टर, देखिए बच्चों को फिल्टर और वाटर प्यूरिफायर का पानी मिल रहा है, आरओ भी मिल रहा है, फिल्टर भी बिठाया है इन्होंने, जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से हमको देखने में मिल रहा है, और पानी के नल्स भी ये जो है बोरिंग के नल हैं, हाँ, जो हाथ धोने के लिए बिठाए गए हैं, हाँ, इधर के जो 12-15 नल हैं ये फिल्टर पानी के नल हैं पूरे। अच्छा, हाँ, कैमरा मैन जरा अंदर से जाके चेक करो, कुछ गंदगी वगैरह दिखती है क्या हमें? देखिए यहाँ पर तो गंदगी कुछ दिखाई नहीं दे रही, जैसा कि पान खा के थूके होते हैं, कुछ बच्चे मावा खा के अगर थूके होते हैं, या तो कुछ भी गंदगी जो होती है लाइन में, ड्रेनेज लाइन में पानी के, वो अपने को गंदगी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है। लगता है दो स्टूडेंट्स इन्होंने बुलाए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या इनके पास सुविधा दी जा रही है और कितने दिनों से ये सुविधा मिल रही है। आए हैं दो स्टूडेंट्स, बात कीजिए आप। क्या नाम है आपका? ये छोड़िए, नाम क्या है आपका? आफिया खालिद जागीरदार। क्लास 10th। यहाँ पर कब से पढ़ाई कर रहे? 10 साल 12 साल से। कितने क्लास में, कौन से क्लास? 10th में है अभी। 10th में? हाँ। 10th में है अभी आप, हाँ। यहाँ पर आप इतने साल से पढ़ रहे, सीसीटीवी कैमरे आपके क्लास में मौजूद है क्या? जी हाँ है। पानी की सुविधा मिल रही है? हाँ है। वॉशरूम बाथरूम में? हाँ है, के लिए? हाँ है। कैसा लगता है स्कूल का माहौल? कुछ डरा, अच्छा डर महसूस होता है या नहीं? फील अच्छा, एकदम हिफाजत वाला महसूस होता है, फील होता है, मतलब अच्छा फील होता, डर नहीं लगता स्कूल में, और एकदम टीचर्स आखिरी तक रहते, जब तक पूरी लड़की स्कूल से बाहर नहीं जाती, रिक्शा वाले पूरे जाते नहीं तब तक पूरे टीचर्स गेट पे रुके हुए रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे सर बता रहे कि बहुत दिन हो गए, कितने दिन हो गए आपकी क्लास में सीसीटीवी लगकर? जब से हम 8th में है तब से सीसीटीवी कैमरे। अभी कितने क्लास में? 10th में। 10th में, लगभग 1.5-2 साल हो गए सीसीटीवी है यहाँ पर। हाँ। और बाथरूम की साफ सफाई वगैरह रहते है? हाँ, बहुत अच्छे से साफ सफाई रहती है। कभी ऐसा आपको लगता है कि यार ये स्कूल में कितनी गंदगी है? नहीं, घर में बाथरूम अच्छे रहते हैं, यहाँ पर आने के बाद गंदा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा साफ सफाई है। या कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच, बहुत ज्यादा साफ सफाई होती है। हम वो भी तफ्तीश करेंगे कि यहाँ के बाथरूम और वॉशरूम कैसे है, अभी हमने पानी का देखा है। सर आपकी इजाजत होंगे तो हमको थोड़ा सा बाथरूम बाहर से दिखाइए, बाहर से, अंदर हम नहीं जाएंगे, बाहर से थोड़ा सा, कुछ बच्चे वगैरह होंगे तो पहले उनको देखिए, चेक करो, हम वो भी चेक करेंगे कि वो, स्कूल का प्रीमाइसेस देखिए आप, कितना साफ सुथरा लग रहा है या गंदा लग रहा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही देखेंगे कि यहाँ पर स्कूल को शायद पेंट भी किया हुआ है, रंग रंगोटी किया हुआ है, यानी स्कूल का माहौल जो है एकदम बच्चों के लिए फ्रेश नजर आ रहा है, और उतना ही फ्रेश क्या बाथरूम भी है, और उनके पानी की सुविधा तो हमने देखी है, वॉशरूम में पानी मौजूद होता है क्या नहीं, ये भी हम अचानक अभी देखने जा रहे हैं। ऊपर है क्या? हाँ, ऊपर। बॉयज के लिए नीचे है। ये बॉयज का दिखाते तो भी चलता था। चलो हम अभी सर खुद दिखा रहे हैं हमें लेके जाके, तो हम वो भी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर वॉशरूम वगैरह है, ये हम देखेंगे। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है और हर जगह पर कैमरा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी कैमरा नजर आ रहा है। अभी वॉशरूम की हम सबसे पहले चेकिंग करेंगे। ये देखिए सर, लेडीज टॉयलेट है। अच्छा, लेडीज
प्यून है हाँ। जो हमेशा लड़कियों की हिफाजत पर मामूर है। अच्छा लड़की तो क्या हम जा सकते हैं देखने के लिए? हाँ जा सकते, जा सकते हैं ना। वॉश बेसिन है, देख सकते हैं कि वॉश बेसिन यहाँ पर लगा हुआ है और वॉशरूम और बाथरूम जो है पानी की भी सोय है। नल अगर चालू करके देखते तो, एक मिनट कैमरा ऑन करो, पानी भी आ रहा है और वॉशरूम भी यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। है इसमें भी है, यानी अलग से वॉशरूम भी है और टॉयलेट भी रखा हुआ है और जो कुछ भी सोवी सुविधा है। हाँ अच्छा वो दिखा रहे तो ये देखिए यहाँ पर एकदम क्लीन है ऐसे। हाँ तो पूरी तरह से साफ सुथरा यहाँ पर एक पूरा हमें स्कूल दिखाई दे रहा है। हमें सही मानो तो तारीफ करनी चाहिए इस स्कूल की, जो ट्रस्टीज है और जो मैनेजमेंट कमेटी है और ये स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी और यहाँ के पूरे स्टाफ की। सर हमें तो एकदम अचंभित लग रहा है कि हमको लग रहा था कि हमें कुछ यहाँ पर ऐसा मिलेगा कि हम सोलापुर पूरा बता देंगे कि ये स्कूल कितनी गंदी है, देखो सोलापुर के स्कूल कितने गंदे हैं, लेडीज जहाँ पर पढ़ रहे, बच्चे जहाँ पर पढ़ रहे वो असुरक्षित महसूस कर रहे, कैमरे नहीं है। हमें तो जो लग रहा था उसका सब उल्टा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नहीं, क्योंकि हम जो आज सर्विस कर रहे हैं, जो रिस्क हासिल कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं हेवी गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से, इसी वजह से बच्चों की वजह से ले रहे हैं, तो बच्चों की साफ सफाई, उनकी हिफाजत, उनकी पढ़ाई, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो हर एतबार से बच्चों का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, इसलिए हर सुविधा हमने पहले से कर रखी है। ये बदलापुर का वाकया हुआ बोलकर करना ही गलत है, हमको बच्चों के सेफ्टी के तालुक से पहले ही सोचना चाहिए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि बदलापुर की घटना को लेकर क्या लगता है? स्कूल में कैसा, ऐसे आपने जो इंतजाम किया है वो वैसे इंतजाम हर स्कूल करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चों की सेफ्टी पहला प्रेफरेंस रहना चाहिए। जो बदलापुर की जो घटना है वो काव्य निषेध है, उसका जितना भी निषेध किया जाए कम है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा कहीं होना ही नहीं चाहिए। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बाथरूम की व्यवस्था होना चाहिए, सीसीटीवी के कैमरे होना चाहिए, फिल्टर पानी का इंतजाम होना चाहिए, लेडीज प्यून का इंतजाम होना चाहिए और एक कमेटी जो गवर्नमेंट अभी बनाई है सकी, हालांकि वो 3 साल पहले ही जीआर निकला था लेकिन उस वक्त नहीं बनाई सकी कमेटी, विशाखा कमेटी, ये सब हम पहले ही बना चुके हैं, पहले ही हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं बदलापुर की घटना के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, एक्टिव है, बिल्कुल ऑलरेडी ऑन पेपर भी है, प्रैक्टिकली हम काम भी करते हैं और पेरेंट मीटिंग्स भी लेते हैं। पालक शिक्षक संघ है हमारी, जस्ट पिछले महीने में 2 मीटिंग हुई हमारे पालक के साथ, ये घटना घटने से पहले भी हुए हैं। अहम सवाल पूछना भूल गया मैं, क्या लेडीज के लिए यहाँ पर लेडीज पीवन या तो लेडीज उनके लिए जो सेविका बोलते हैं वो मौजूद है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइमरी तो पूरे लेडीज ही है, पूरे लेडीज ही सेविका है, मैक्सिमम टीचर 90% लेडीज टीचर है, पहले से लेके पांचवी तक, सिर्फ 8th, 9th, 10th के लिए कुछ जेंट्स टीचर हैं, बाकी मैक्सिमम लेडीज ही हैं हमारे पास। टीचर्स नहीं, जो सेविका, सेविका तो पूरे पूरे लेडीज ही हैं, सेविका पूरे लेडीज हैं, टोटली सुपरवाइजर भी लेडीज हैं, ताकि लेडीज का सुनने वाला कोई है लेडीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम कमेटी जो बनाए हैं उसमें विद्यार्थिनी भी है कमेटी में, अगर उनको कोई किसी भी किस्म की तकलीफ होती है तो उनको बता दिया गया है कि आप ये फलां टीचर कमेटी में है उनसे मिलकर बात करो और अपनी तकलीफ बताओ, फिर वो टीचर हमको आपको सुप्रभात साहिबा को लेडीज रहने से उनको बताते हैं, फिर उन्होंने मुझे बताते हैं, हम फिर दोनों मिलकर हम डिस्कस करके जो भी मसला हल कर देते हैं। यहाँ पर लड़कों की लड़कियां भी पढ़ती है और लड़के भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लड़का लड़की में कुछ बहस होगा, झगड़े हो गए, ऐसा कभी होता है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतना हम स्ट्रिक्ट, आप देख सकते हैं नोटिस बुक में, अभी जून से लेकर अभी तक 6 नोटिस निकाल चुका हूं मैं, कि कभी ऐसा लड़के लड़कियों में ना बातचीत होती है, ना कभी बहस मुबहसा होता है, ना देवन घेवन होती है किसी भी किस्म की। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा रहने की वजह से हम पहले बोले हैं कि अगर लेफ्ट साइड को, अगर राइट साइड को अगर लड़कों की रो है, लेफ्ट साइड को अगर लड़कियों की रो है, तो कोई भी लगा राइट साइड को देख सकता है लेकिन वो लेफ्ट साइड को टर्न नहीं कर सकता चेहरा, क्योंकि उधर लड़कियां हैं, क्यों वो कंट्रोल कंडीशन में आएंगे, क्योंकि 2 रो के दरमियान सिर्फ 1 फीट का फासला होता है, तो बच्चों को सख्त ताकीद की गई है और क्योंकि हम बच्चों को साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी देते हैं, अखलाक की तालीम भी देते हैं और हमारा मजहब भी वही सिखाता है कि तुम्हें सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। जब बच्चों के अखलाक बन जाएंगे तो किसी को छेड़ने का, किसी को दिखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसकी वजह से आज तक ना कोई इंसिडेंस यहाँ पे हुआ है, ना इंशाल्लाह कभी होगा।
तर एकंदरीत पाहता या द प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची जी उर्दू मीडियमची शाळा आहे तिथं आपण अचानक भेट दिली आणि जे बदलापूर घटनेनंतर महाराष्ट्र शासनाने किंवा शिक्षण विभागाने जे काही घटना पुन्हा घडू नये याच्यासाठी जी दक्षता घेण्यासाठी सांगितली आहे, सीसीटीव्ही कॅमेरे असू दे किंवा महिला दक्षता कमिटी असू दे किंवा विशाखा कमिटी आत्ता जे सरांनी सांगितलेलं ते असू दे, पाण्याची सोयी सुविधा असू दे, चांगलं त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर असू दे, शिक्षणाबरोबर या मूलभूत गरजा सुद्धा गरजेच्या असल्याचं सांगितलेलं आहे आणि आपल्याला माहितच आहे की हे अत्यंत गरजेचं आहे. नुसतंच शिक्षण देऊन फायदा नसणार आहे तर त्यांच्या सुरक्षतेचा मुलींच्या दृष्टीने सुरक्षता महत्त्वाची आहे. ते एकंदरीत पाहण्यासाठी आम्ही या शाळेच्या प्रिमायसेसमध्ये या आवारात आलेलो होतो. अचानक भेट दिली आणि अचानक भेटीदरम्यान जे काही घडलं जे काही दिसलं तुम्हाला ते तुम्ही पाहिलेलेच आहात. तर दी प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची जी उर्दू मीडियम शाळा आहे त्या शाळेला खरं पाहता आपण सल्यूट मारलं पाहिजे. इतकं सुंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, कलरिंग आहे, म्हणजे स्वच्छता आहे, इथं कुठेही आम्हाला घाणेरडपणा दिसलेला नाही आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे एकदम हाय डेफिनेशनचे दिसत आहेत. स्टुडंटला आम्ही अचानक रॅन्डमली बोलावून विचारलेलं आहे तर त्यावेळेला आपल्याला सगळं एकंदरीत इथलं जे गव्हर्नमेंट सांगतंय त्याच्यापेक्षा कित्येक पटीनं चांगल्या सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी या शाळेनं या संस्थेनं आणि या मुख्याध्यापकाचं सुद्धा आपण कौतुक करावं तितकं कमीच आहे दिलाचं एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळतंय. इथंच थांबू, पुढच्या वेळेला तुम्ही उद्या नवीन दुसऱ्या शाळेचा अचानकपणे असंच भेट दिल्याचं बातमी पाहायला विसरू नका. तोपर्यंत थांबू, नमस्कार. या शाळेत स्टिंग ऑपरेशन झाल्यानंतर आम्ही एक पॉईंट विचारायचं राहिलेलं होतं की इथले सुपरवायझर लेडीज आहेत का किंवा टीचर कोण आहेत नेमकं सुपरवायझर म्हणून कोण आहेत. तर इथं प्रिन्सिपल सरांनी आम्हाला सांगितलं की बारागजी म्हणून एक टीचर आहेत जे सुपरवायझर आहेत. महिलांची शाळा आहे, मुलं आहेत कमी आहेत, कमी प्रमाणात मुली जास्त आहेत. तर त्यांच्याशी आपण वार्तालाप करूया, नेमकं त्यांना या शाळेच्या बद्दल किंवा इथल्या सोयीसुविधांबद्दल आणि घटलेल्या घटनाबद्दल काय वाटतंय. आपका राजनीती न्यूज में स्वागत आहे. हम जो है आपके स्कूल में अचानक अभी विजिट करे तो आपको क्या लगता है ये जो घटना घड़ी है बदलापुर की उसको लेकर, और ये स्कूल में आप लड़कियों के साथ ज्यादा रहते हैं, आप भी एक महिला है, आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो घटना भी है खौफनाक, दर्दनाक, वहशतनाक. बहुत ज्यादा अफसोस है जब भी ऐसा उस न्यूज के बारे में और वो हादसे के बारे में सोचते हैं तो रोंगटे खड़े होकर देते हैं और हमें फिक्र होते रहती है कि हमारे बच्चों की क्या हालत है बाहर. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ के लिए तो हम निषेध करेंगे बदनापुर के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा सेफ हैं और खुशनसीब भी हैं. क्योंकि अभी इससे पहले जो आप हमारे हेडमास्टर के जरिए सुने हैं कि किस तरह से जो है ना जो मूलभूत सुविधा जो देना है वो तो हमारे स्कूल में मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है बच्चों की जो है ना सेफ्टी का इंतजाम हम पहले से ही कर रखे हैं. किसी भी तालिबे इल्म को जो खास तौर पर जो गर्ल्स मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर गर्ल्स की है तो वो गर्ल्स को हम बाहर ही नहीं छोड़ते. हमारी पूरी एक टीम है, वो टीम में जो है ना कुछ लड़कियां बाहर के माहौल से आती है, अगर कुछ उनके प्रॉब्लम भी रहते हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाती है. वो लड़कियों को मतलब वो भटकने ना पाए इसलिए जो है ना उन एज रहती है एडोलेसन एज है वो एज के हिसाब से जो है ना बच्चों में बदलाव होते रहता है तो वो बाहर के माहौल का बहुत ज्यादा असर होता है. लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ना उनको बेहतरीन तरीके से जो है हमारे स्कूल में जो है उन्हें गाइड किया जाता है और उनको बुराई से बुरे कामों से रोक दिया जाता है और सेफ्टी बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा 32 कैमरे हैं. कोई भी अगर पिन भी गिरती है तो आप जो है उसकी आवाज सुन सकते हैं. तो वो हिसाब से जो है ना लड़कियों का मसले जो भी होते हैं तो हम वो देखकर भी हम सॉल्व करते हैं. लेकिन स्कूल शुरू होने के साथ तमाम लड़कियों को यहाँ पर कतार से खड़ा कर दिया जाता है और एक बार अगर बच्चे एंट्री करते हैं तो उनको स्कूल छूटने के बाद ही उनका गेट खोल दिया जाता है. इवन रेसेस में भी है ना वो लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ते हैं और स्कूल छूटने के बाद ही उनके पेरेंट या रिक्शा वाले वगैरह जो भी आते हैं वो छोड़ते हैं. रिक्शा वालों का भी खास तौर पर जो है उनके नंबर लिए गए हैं और खास तौर पर उनके पेरेंट को भी ये बता दिया गया है कि आप जो रिक्शा में अपने तालिब बच्चों को भेजते हैं आपको उनके कैरेक्टर क्या है वो भी आप सोच समझ कर अपने बच्चों को भेजो, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्योंकि आज हालात हैं लेकिन हम पहले से ही ये हालात के बारे में जानकर आगाही करके जो है ना सब टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स दोनों को जो है हम लोग बच्चों को भी जो है ना गाइड कर चुके हैं. चांगल्या गोष्टीचा एक चांगला मुद्दा मॅडमने आता उपस्थित केलेला आहे की प्रत्येक शाळेच्या आवारात आपण पाहतो शाळा सुटल्यानंतर अनेक रिक्षावाले स्कूल बस चालक असतात, त्यांचंही खरं तर कॅरेक्टर कशा पद्धतीचं आहे पालकांनी हे तपासूनच ती रिक्षा किंवा त्या स्कूल बसला लावणं गरजेचं आहे. कारण कॅरेक्टर हे सगळं आपलं सिस्टम बिघडवतं आणि कॅरेक्टरमुळेच हे घटना घडत असतात. त्यामुळं पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना विशेष करून लक्ष देण्यासाठी जर असेल
तर त्यांनी रिक्षा चालक असो किंवा बस चालक असो स्कूल बस चालक त्यांचं देखील कॅरेक्टर तपासणं गरजेचं आहे, त्यांचं पोलीस व्हेरिफिकेशन गरजेचं आहे. याच्यावर सुद्धा आम्ही नक्कीच आत्ता मॅडमनं सांगितलं म्हणून तो मुद्दा लक्षात आलेला आहे, त्याच्यावर सुद्धा आम्ही नक्कीच एक व्हिडिओ वगैरे बनवू आणि त्याची सुद्धा तपासणी करू की किती रिक्षा चालक आणि किती बस चालक हे पोलीस व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे. आरटीओतून नक्कीच याच्यातून माध्यमातून आपण माहिती घेऊया. इथेच थांबतो, आपण पाहत राहा राजनीती न्यूज सोलापूर.